प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील। और बदलने लगा देश। सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल कॉलेज हम सब, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें, और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? 2 अक्टूबर से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम चलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के साथ पूरा देश खड़ा दिखाई दे रहा है। पीएम के एक आह्वान पर लोग समझने लगे हैं कि दुनिया को अगर बचाना है तो सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति पानी ही होगी। यही वजह है कि लोग खुद इसके खिलाफ पहल कर रहे हैं। अब देश की 22 बड़ी कंपनियों ने फैसला किया है कि वे अपने यहां प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगी। इनमें ITC, HUL, डाबर, केलॉग, नेस्ले और मदर डेरी जैसी कंपनियां शामिल हैं। मैकडोनाल्ड्स ने भी अपने आउटलेट में प्लास्टिक के बजाय इको फ्रेंडली प्लेट और चम्मच देने का फैसला किया है। इन मल्टीनेशनल कंपनियों के अलावा देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी ऐलान किया है कि 2 अक्टूबर के बाद प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी की प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम को मिला यह अब तक का सबसे बड़ा समर्थन है, क्योंकि इस संगठन से देश भर के 7 करोड़ व्यापारी जुड़े हुए हैं। रेलवे पहले ही पीएम मोदी की इस मुहिम से जुड़ चुका है। रेलवे पानी की बोतलों को क्रश करने के लिए 400 मशीनें लगा रहा है। इन मशीनों में बोतलें डालने वालों को बदले में मोबाइल रिचार्ज दिए जाने का ऐलान भी रेलवे कर चुका है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खात्मे की अपील भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने की है, लेकिन इसका फायदा न केवल पूरे देश को बल्कि पूरी धरती को होगा।